अर्तिमिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा और जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के पास बैठी थी। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद कब किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल कर ले कोई नहीं जानता। मैं तो खुदावंद ने मसीह यीशु के रूप में अपना अनुग्रह मेरे और आपके साथ रखा और मसीह यीशु ने अपने 12 चेलों को आने वाली सेवकाई के लिए, आने वाले सुषमाचार प्रचार के लिए और आने वाले खुदावंद की मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने उन 12 चेलों को चुना। वो चेले उनमें से थे जो निरंतर यीशु के साथ थे, यीशु के चमत्कार उनके साथ थे, यीशु के उपकार उनके साथ थे, यीशु की भविष्यवाणियां उनके साथ थीं और यीशु मसीह की शिक्षाएं भी उनके साथ थीं। बहुत सारे चेले लगातार यहां तक कि ये भी कहते थे, अरे प्रभु हम प्राण देने तक तेरे साथ विश्वास योग्य ठहरेंगे। लेकिन जब अंतिम समय आया, कोई चेला यीशु के पास नहीं आया। जब उसके प्राण त्याग दिए गए, उसके शब लेने के लिए भी कोई उसका अपना नहीं है। मैं तो खुदा इकलाम में लिखा है, यूसुफ नामक व्यक्ति जो स्वयं अपने आप को यीशु का चेला कहता था, उसने क्या किया, उसने डेरिंग करी। मैं तो उसका नाम खुदावंत के वचन में यूं ही नहीं आ गया, उसका नाम परमेश्वर के सुषमाचार प्रचार में ऐसे ही नहीं आ गया। जब जब मसीह यीशु की मृत्यु, जब जब मसीह यीशु के गाड़े जाने, जब जब मसीह यीशु के दफनाए जाने, जब जब मसीह यीशु के जी उठने के ऊपर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूसुफ का नाम जरूर आ जाता है। भले ये प्रारंभ से यीशु के साथ नहीं था, भले ये प्रारंभ से हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन खुदा इकलाम में लिखा है एक धनी मनुष्य है और इसने अपने आप को यीशु का चेला कह दिया, स्वयं ही अपने आप ही। मैं तो अंत का समय कुछ ऐसा ही होगा, इस बात को निश्चित तौर पर जान लेना कि कब कहां कैसे खुदा किसको इस्तेमाल करेगा कोई नहीं जानता। जो पहरे पर खड़ा रहेगा, जो यीशु के साथ विश्वास योग्य पाया जाएगा विषम परिस्थितियों में भी। मैं तो ये वो उस शख्स का शव मांग रहा है किस शख्स का शव मांग रहा है जिसके लिए लोगों ने चिल्लाया, जिसके लिए लोग चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? लोग चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। लोग चिल्लाने लगे कि हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो लेकिन इसे क्रूस पर चढ़ा दो। ये परमेश्वर का अपमान करता है, ये परमेश्वर के लोगों का अपमान करता है। मैं तो एक शख्स हुआ शिमोन कुरेनी। शिमोन कुरेनी जो है वो स्वयं वॉलेंट्री नहीं आया है। जब मसीह यीशु कंधे के ऊपर कलवरी का क्रूस लेकर जा रहे हैं, तो शिमोन कुरेनी को बेगारी में पकड़ा गया, जबरदस्ती उससे काम कराया गया, इसलिए उसके नाम के आगे कहीं भी चेला नहीं लगाया है। उसके नाम के आगे कहीं भी यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का भक्त नहीं लगाया गया। लेकिन ये यूसुफ इसके लिए यहां लिखा है कि जो आप ही यीशु का चेला था, उसने क्या किया, उसने विषम परिस्थितियों में डेयरिंग दिखाई है। मैं तो जहां पर पतरस जो यीशु मसीह के निरंतर साथ रहता था, वो पतरस यीशु का इनकार कर रहा है, वो कह रहा है अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं इस शख्स के साथ नहीं था, जबकि यीशु जीवित था। अब यहां पर तो यीशु मर चुका है, क्रूसीफाइड कर दिया गया, उसके बाद भी यूसुफ डेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि इसका शव मुझे दे दो। और वो शव यीशु का उसने बेकदरी करने के लिए और अपमान करने के लिए नहीं मांगा है,
खुदाई कलाम में लिखा है, उसने यीशु का शव लिया और उज्जवल चादर बिछाई और उसमें उसको लपेटा और नई कब्र के अंदर जिसमें पहले कोई न रखा गया हो, परमेश्वर की वो भविष्यवाणी किसके जरिए पूरी हुई? एक ऐसे शख्स के जरिए पूरी हुई जो पूरी यीशु की लाइफ हिस्ट्री में जब तक यीशु मसीह जीवित है, चमत्कार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कहीं इस व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यीशु के मरने के बाद इस व्यक्ति का जिक्र आया है। क्यों? क्योंकि उसने डेयर किया है, उसने डेयर दिखाया है। न जाने कितने लोग यीशु के विरोध में, उसके बाद भी वो कह रहा है कि मुझे दे दो इसका शब। और उसने क्या किया? उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो यीशु के लिए लिखी हुई थी कि वो नई कब्र में रखा जाएगा और उस यीशु के शब को नई कब्र में रखा। खुदा कलाम में लिखा जो चट्टान में खुदवाई गई थी और एक बड़ा पत्थर उसके मुंह के ऊपर लुढ़का गया। मैं तो मैं और आप उन विषम परिस्थितियों में अपने यीशु के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं तो अंत का समय आएगा जब निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंत का वचन मेरे और आपके जीवन से ले लिया जाएगा, खुदावंत का कलाम मेरे और आपकी जिंदगियों से उठा लिया जाएगा। अंत का समय आएगा जब मेरे और आपके जीवनों के ऊपर बहुत सारे सताव होंगे, लोग मुझे और आपको यीशु का नाम लेने पर मारेंगे, पीटेंगे, हो सकता है मेरी आपकी औलादों को मार दें, हो सकता है मेरे आपके माँ बाप को मार दें, हो सकता है मेरी आपकी पत्नी और पति को मार दें, हो सकता है मुझे और आपको खुद नाना प्रकार से मृत्यु का सामना करना पड़े। लेकिन मेरे अजीजों, अंत तक विश्वास योग्य जो ठहरेगा वही उस स्वर्ग राज का वारिस होगा। मैं तो मैं और आप स्वर्ग राज की में प्रवेश करने के लिए कितने उस स्वर्ग राज की वैल्यू को अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव करते हैं। मैं तो मेरे और आपके लिए क्या आवश्यक है? मेरे और आपके लिए संसार, मेरे और आपके लिए संसारिक नाम, मेरे और आपके लिए संसारिक शरीर, मेरे और आपके लिए संसारिक ऐश मौज, ये ज्यादा वैल्यू रखते हैं या वो अनंत काल का जीवन मेरे और आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है? वो जीवन जो मेरे आपके मसीह ने मुझे और आपको दिया है। मैं तो जिसके लिए अनंत काल का जीवन वैल्यूबल होगा, निश्चित तौर पर जान लेना वो प्राण देने पर भी, प्राण देने के साथ भी, दुख उठाने के साथ भी, कहीं ना कहीं अपने यीशु के साथ बना रहेगा। और जिसे जिसके लिए उस अनंत काल की वैल्यू नहीं होगी, वो इस शारीरिक कष्ट के चलते, सताव के चलते और नाना प्रकार की बातों के चलते यीशु को छोड़कर, अपने उस उद्धार की योजना को छोड़कर, उस अनंत काल के जीवन को छोड़कर बैकस्लाइड हो जाएगा और वो यीशु का इनकार कर देगा। खुदाई कलाम में लिखा है, मैं तो वो हूं जो पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता हूं। मैं तो मेरा आपका यीशु पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता। लेकिन मैं और आप यीशु के लिए क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि जो अगले हैं वो पिछले कर दिए जाएं और जो पिछले हैं वो अगले कर दिए जाएं। मुझे और आपको अंत समय में अपने जीवन में विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। अंत समय तक मुझे और आपको इस बात को अनुभव करने की आवश्यकता है कि मैं और आप प्राण देने तक अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य पाए जाए। नहीं तो खुदा कलाम में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, अतः आज्ञा दे कि 3rd दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुए में से जी उठाए। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मई दो यीशु के चेले तो भूल गए कि यीशु ने क्या भविष्यवाणी की थी, लेकिन प्रधान याजकों को और पुरनियों को उन्हें याद है कि यीशु क्या कह रहा था।
यीशु कह रहा था कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। मैं तो शैतान को मुझसे और आपसे ज्यादा बाइबिल आती है, इस बात को जीवन में समझ लेना। अगर शैतान को मुझसे और आपसे ज्यादा बाइबिल नहीं आती होती तो कभी लोग कहते हैं ना कि अरे बाइबिल तो शैतान को डरा देगी। अरे शैतान स्टडी करता भाई, शैतान स्टडी करता है बाइबिल की। अगर शैतान स्टडी नहीं करता होता बाइबिल की तो मत्ती 4 में जब वो यीशु मसीह से बात करने के लिए आता है तो वो यीशु मसीह से बाहर से बातें नहीं करता है, वो यीशु मसीह से खुदावंद के वचन से ही बातें करता है। वो कहता है कि देख तेरे लिए लिखा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे वो रोटी बन जाए। इसका मतलब वो समझ रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कह रहा है अरे अपने आप को मंदिर के कंगूरे से छलांग लगा दे, तेरे विषय में लिखा है किस फरिश्ते आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे और हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। ये सारे वचन भजन का भजन में लिखे हुए हैं, है? या परमेश्वर के वचन में ही लिखे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन शैतान जानता है। मैं तो एक बार को मैं और आप भूल जाएंगे परमेश्वर का वचन, लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन को स्मरण रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अपोजिट मुझे और आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसके अपोजिट मुझसे और आपसे काम कराने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को मेरे और आपके जीवन से तुड़वाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर उन्हीं कामों को करें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और मैं और आप परमेश्वर के वचन को कंठस्थ नहीं रखते हैं, मैं और आप अपने स्मरण में परमेश्वर के वचन को नहीं रखते हैं, मैं और आप अपने जहन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखते हैं, मैं और आप अपने ख्यालों में परमेश्वर के वचन को नहीं रखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में और आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन की उलाहना करते हैं और मैं और आप गुनाहों में गिर जाते हैं। बाकी किसी को याद नहीं है, यीशु मसीह के चेलों को याद नहीं है, मरियम को याद नहीं है, मरियम मगदलीनी को याद नहीं है, लाजर को याद नहीं है जिसे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन फरीसी और शास्त्रियों को याद है कि यीशु ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैं तो अंत समय में मुझे और आपको शैतान के उन भरमाने वाले सेवकों से भी बचकर चलने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं मुझे और आपको गलत रीति से परमेश्वर का वचन ट्विस्ट करके बताते हैं। अंत समय ऐसा आएगा जब लोग परमेश्वर के वचन को से ही मुझे और आपको गुनाहों में गिरा देंगे, परमेश्वर के वचन को मेरे और आपके सामने ऐसा परोसेंगे कि वो देखने में खीर लगेगी लेकिन उसके अंदर जहर मिला हुआ होगा और मेरे और आपके लिए मृत्यु का सबब बन जाएगा। नहीं तो इसीलिए मुझे और आपको लगातार परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता, परमेश्वर के वचन को अनुभव करने की आवश्यकता और उसको जीने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं और आप जिन चीजों को जीते हैं, जिन पर दिन और रात मनन करते हैं और अमल करते हैं, उन कामों से मुझे और आपको कोई बहला ही नहीं सकता। नहीं तो आज लोग बहकावे में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ओनली यूसुफ, ओनली जीसस, ओनली यीशु, कुछ कहते हैं ओनली होली स्पिरिट, कुछ कहते हैं ओनली यहोवा, कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह आ गया, कुछ कहते हैं कि अरे यही पृथ्वी जो है स्वर्ग यही और नरक यही, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत सारे लोग ना जाने कौन कौन सी तरीकों से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से भटकाने के प्रयास करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को खा लिया है, अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को छुपा लिया है, अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को डाइजेस्ट कर लिया है, तो मुझे और आपको निश्चित तौर पर कोई बरगला ही नहीं सकता। जो चीजें मेरी आपके खून में बसी हुई हैं पलटी नहीं सकती। मैं तो मैं और आप खाना अपने मुंह में ही खाते हैं। कोई सुबह से शाम तक बैठकर मुझे और आपको ये कन्विंस करने लगे कि भाई खाना कान में खाना है, खाना कान में खाना है, खाना कान में खाना है, या खाना ऐसे करके खाना है, या खाना पैर से खाना है, अगर मुंह में भी खाना है तो पैर से खाना है, चाहे कोई आ जाए मुझे और आपको कन्विंस कर ही नहीं सकता इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि मैं और आप लड़कपन से ही यूं ही खा रहे हैं। ये मेरी आपकी फितरत है, ये मेरी आपके नस रंग और नसों में बस गया है। चाहे मैं और आप अंधेरे में बैठे हो तब भी खाना ऐसे ही खाएंगे, चाहे मैं और आप उजाले में बैठे हो तब भी ऐसे ही खाएंगे, चाहे मैं और आप आधी नींद में हो
तब भी निवाला तोड़ के मुंह में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मैं और आप इसी तरह बड़े हुए और ये आदत मेरे आपके रगों में बस गई है। उसके बाद भी कुछ लोग आकर मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से बरगला देते हैं, कुछ लोग आकर मुझे और आपको मेरे आपके उस विश्वास से जो मेरे आपके पूर्वजनों ने मेरे और आपके मन में डाला है उनसे मुझे और आपको डिगाने का प्रयास करते हैं और मुझे और आपको डिगा भी देते हैं। कई लोग कहते हैं, अरे पाई साहब वो आए थे फलाने पादी साहब, वो तो बाइबिल ऐसे बता रहे थे, पादी साहब फलाने प्रचारक आए थे वो तो बाइबिल ऐसे बता रहे थे। भाई जो बचपन से आप सीख रहे हो, बचपन से आप कर रहे हो, ट्रिनिटी को हम फॉलो कर रहे हैं, फिर क्या है इसका मतलब? वो आदत मैंने और आपने, वो वचन, वो कलाम, वो यीशु मैंने और आपने अपनी जिंदगी के अंदर उतारा ही नहीं है। अगर उतार लिया होता तो कोई आकर कुछ भी कह रहा होता है? अगर उतार लिया होता तो कोई आकर कुछ भी क्यों ना कह रहा होता, मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? मुझे पता है कि कब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और तीनों के काम क्या है। मुझे और आपको पता होता कि मुझे कहां जाकर बरकतें मिलनी है, मुझे कहां जाकर प्रार्थनाएं करनी है, मुझे किस भवन में जाना है, ये सब मुझे पता है क्योंकि लड़कपन से मैं यही सीख रहा हूं। मेरी तो शैतान मेरे आपके फेथ को, शैतान मेरे आपके परमेश्वर के साथ संबंध को, शैतान मेरे आपके उन आदतों को जो परमेश्वर ने मेरे आपके मन में भलाई की डाली है, करुणा की डाली है, दया की डाली है, विनम्रता की डाली है, दीनता की डाली है, सच्चाई की डाली है, प्रेम की डाली है, उन्हें शैतान निश्चित तौर पे मुझसे और आपसे कभी छीन कर ले ही नहीं जा सकता अगर मैंने और आपने उन्हें अपने जीवन के अंदर बसा लिया और रंग लिया है। मैं तो आज निश्चित तौर पर जान लेना, न जाने कितनी भरमाने वाली आत्माएं सफेद चोगे पहनकर, भरमाने वाली आत्माएं बड़े गले में वही क्रॉस डालकर, भले भरमाने वाली आत्माएं नाम के आगे कुछ भी लगवा कर मुझे और आपको भरमाने के लिए मेरे आपके दरवाजे पर बैठी हुई हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, निश्चित तौर पर जान लेना, शैतान कब किस रूप में कहां मेरे और आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा, मेरे आपके जीवन के पास आ जाएगा, मैं और आप खुद नहीं जानते। वो किस रूप में आकर मुझे और आपको कमजोर कर जाएगा, मेरे आपके ईमान को कमजोर कर जाएगा, मेरी आपकी आत्मिकता को कमजोर कर जाएगा, मैं और आप खुद नहीं जानते। तो फिर मैं और आप क्यों कर अननेसेसरी हम शैतान से बातें करें? मैं तो जो जिन रिश्तों को मैंने और आपने परख लिया है, जिन पासवानों को, जिनके प्रवचनों को मैंने और आपने परख लिया है, मुझे और आपको उन्हीं के साथ संबंध रखने की आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते हैं, भाई साहब हमारे घर पे था जो भी यीशु मसीह के नाम से आता हम दरवाजा खोल देते। नहीं करना, कभी नहीं खोलना। बहुत सारे कल्ट घूम रहे हैं, वो कल्ट घूम रहे हैं जो मुझे और आपको और मेरे आपके विश्वास को कमजोर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रंग बसा नहीं है। मैं और आप इसलिए हाल बातों में आ जाते हैं। हव्वा के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि अननेसेसरी शैतान को इंटरटेन कर रही है। अननेसेसरी क्यों कर रही है भाई? क्या जरूरत है शैतान से बातें करने की? क्या जरूरत है अपने घर के सीक्रेट, अपने परमेश्वर के सीक्रेट शैतान के साथ शेयर करने की कि खुदा ने ऐसा कहा है, कि खुदा ने ऐसा नहीं कहा, खुदा ने ये नहीं। अरे भाई तू कौन है? वो मैं जानू, मेरा परमेश्वर जाने, मेरा पति जाने, वो हमारा फैमिली मैटर है। भाई मैं जानू, मेरा पासवान जाने, मेरा चर्च जाने, मेरी कलीसिया जाने, वो हमारा मैटर है, तो हमें जाना मत समझाओ। हमें दुआ करनी होगी, हम जहां हमारा विश्वास है वहीं दुआ करेंगे। जो बचपन से हमने सीखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम उसी को फॉलो करेंगे। जिस परमेश्वर के वचन को हम बचपन से जानते आए, बचपन से सीखते आए, हम वही करते आएंगे। लेकिन याद रखने की आवश्यकता है कि मैंने और आपने पढ़ा क्या है, मैंने और आपने सीखा क्या है। मैं तो यीशु के चेलों को याद ही नहीं है, शैतान ने तो याद रखा।
यीशु के चेलों को याद ही नहीं है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये खुद यीशु बता कर गया है, किसी और ने नहीं बताया, ये खुद यीशु बता कर गया है। और खुदा के वचन में लिखा है आगे में, और आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब उनके सामने आया ना तो वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं भूत है ये तो भूत है, ये कौन है? क्यों? क्योंकि उन्हें याद ही नहीं है वो बातें जो यीशु ने उन्हें सिखाई हैं। याद रखना उन बातों को जो आपके पासवानों ने आपको सिखाई हैं, आपकी कलीसिया के मुखियाओं ने आपको सिखाई हैं, आपके चरवाहों ने आपको सिखाई हैं। याद रखना उन बातों को जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बुजुर्गवारों ने मेरे और आपके जीवन के अंदर बोया है, जिससे जब शैतान मुझे और आपको कमजोर करे, मेरी आपके ईमान को कमजोर करे, मैं और आप स्थिर रहकर कह सकें कि भाई साहब मुझे पता है कि मेरे को कहाँ प्रार्थना करनी है, मुझे किस परमेश्वर पर विश्वास करना है, मुझे किस रिश्ते पर विश्वास करना है और मुझे कहाँ जाकर दुआ करनी है। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले रह जाएं और कोई बाहर से आकर यूसुफ नाम का आदमी यीशु की लोथ को लेकर उसे नई कब्र में दफनाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं और आप जो अगले हैं वो पिछले कर दिए जाएं और जो पिछले हैं वो अगले कर दिए जाएं। अवसर को बहुमूल्य जानो। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे।